ये तो लीला करने के लिए ही आया है। आपको क्या लगता है when was my first kiss? मुझे नहीं पता। I love it. Money plant से पैसे बहुत आते हैं। Don't tell it to anyone. वो क्रश एकदम बहन की नजर से देखने लगा मैं उसे। Hi, how are you? I'm kind of crack. अरे हेलो 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 हाय Z5 has come to my house. Come in. This is my cute little house and I am glad that you guys are here. And today I'll show you a little bit about my life. So welcome Z5 and welcome all the viewers. Please come. Z5 ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज दी है, ये गणपति जी। इनको ही स्थापना में करना चाहूंगा अपने दिल में और मंदिर में। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में बताता हूँ। आई एम नॉट अ वेरी एविड रीडर बट ये शिवजी की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं एक बार बहुत ही ज्यादा धार्मिक चीजें पढ़ लेता हूँ तो फिर मैं शाम आते आते ही 50 Shades of Grey पढ़ लेता हूँ। This is Einstein about his life. I used to love his hairstyle. See, looks like my grandfather. कोई inspirational या motivational lines याद है? मेरे दादाजी अक्सर ये चीज़ बोला करते थे। This too shall pass. इसका ये मतलब है कि चाहे ज़िंदगी में खुशी है, चाहे दुख है, चाहे excitement है, वो चीज़ निकल जाएगी। तो किसी भी चीज़ से या किसी भी face से attach नहीं होना चाहिए। So what is one superpower you wanna have? Always be happy. So what do you like to do on your days off? I sit in my bed and I don't get out of the bed. So are you a bathroom singer? I'm an everywhere singer. I like to sing in my car. Maine uske shehar ko choda, uski gali mein. People often think that I'm kind of crack. शुरुआत जब होती है तो कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हो? सुबह सुबह आई ट्राई टू लिसन टू मेडिटेटिव म्यूजिक। आई विल टेल यू, प्लीज प्ले मेडिटेटिव म्यूजिक। आई लव इट। टेल मी मोर अबाउट योर हाउस, योर मेमोरीज रिलेटेड टू द व्यू एंड ऑल। सो दिस इज माय हाउस। बहुत ही प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया हुआ घर है हमारा ये। माय फेवरेट प्लेस इन माय होल हाउस इज दिस वन। कम जो खुशबू है सुबह की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट आई ट्राई टू बी एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, सो दिस इज मी बींग क्लोज टू द नेचर। मनी प्लांट से ऐसा किसी ने कहा था कि पैसे बहुत आते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी। आई एम ट्राइंग टू लर्न अ लिटिल बिट मराठी। उठे इकड़े तुम्ही झाला चांगला। हमारे Z5 के फैंस के लिए दो लाइन बदल। ऑफ कोर्स। तो जितने भी मेरे कश्मीरी फैंस हैं उनके लिए नीरू बाबा सवाल। नीरू बाबा सवाल इज अ थिंग दैट वी से कि भगवान तुम्हारा ख्याल रखे। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? रोगन जोश। एंड सिंस माय मॉम इज हियर फॉर अ फ्यू डेज, आई वुड लव फॉर हर टू मेक इट। एंड या इट्स नॉट वेरी हेल्दी बट इट्स वेरी टेस्टी। आप सुबह उठने के बाद क्या खाते हो? मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों, सो ये है वो जगह जहाँ मैं कभी नहीं आता हूँ। इट्स माई किचन एंड मेरे किचन का सेवियर जो है वो है विकी। विकी कम है। सो दिस इज विकी। मेरे जीवन में जितना भी अच्छा खाना मैं खाता हूँ वो सारा विकी खिलाता है। विकी मुझे फ्रूट दे दो। फर्स्ट थिंग आई डू इज आई हैव दीज फ्रूट्स, वाटरमेलन एंड मेलन एंड आमंड्स। एंड देयर इज दिस पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन, ये है अश्वगंधा की गमीज। सो आई हैव मेड, मैंने पर्सनली खुद ही बनाया। तो मैंने सिंगदाना, चना, सेसमे सीड्स और पम्पकिन सीड्स और अश्वगंधा की गमी बियर्स मिला के आई मेड दिस लिटिल मिक्स। ये मैं भी खाता हूँ और मेरे सेट पे जितने लोग हैं वो सब खाते हैं। व्हाट्स योर गो टू डिश? खिचड़ी। अ डिश यू वुडंट माइंड ईटिंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आई डोंट नो एनीथिंग व्हिच आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। एक्चुअली आई कांट इवन थिंक अबाउट अ मैरिज। द क्लोजेस्ट टू इट इज ईटिंग एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये मैं खा सकता हूँ हर दिन। सो अ लाई दैट यू स्टिल लाई अबाउट? दैट माय हाइट इज 6 feet. But it's actually 5'11". Come, don't tell it to anyone. Any incident or moment that you had to face as a fresher in the industry? मैंने एक बार I remember मैंने भारती को देख लिया था। मैं 2 दिन तक अपने घर वालों को बताता रहा और मैं झूठ बोला। मैं बोला भारती को मैंने इतनी पास से देखा, आपको पता है वो बिल्कुल मोटी नहीं है, बहुत प्यारी है यार। और actually मैंने भारती को ऐसे पास करते हुए देखा था। One show or web series you would love to be a part of from Z5? I've seen Sunflower on Z5. और उसमें सुनील ग्रोवर जी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें वो थोड़े से मेंटल बने हैं। एंड अभी रिसेंटली देयर इज अ मूवी कॉल्ड लव हॉस्टल, सो आई वुड लाइक टू प्ले द कैरेक्टर मिस्टर बॉबी डियोल वाज प्लेइंग। इट वाज अ वेरी खूंखार कैरेक्टर, इट वाज अ वेरी समथिंग दैट आई एम नॉट एट ऑल। सो ये दो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगा।
So can we see some more parts of your house? Of course, please. This is my Kumkum Bhagya corner. This is devoted only to Ranbir. This is not Krishna's. All my good memories are here. ये मेरा पहला लाइफ का अवार्ड है. दिस इज बेस्ट नया सदस्य मेल, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. दिस इज द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर मेल ऑन Z5. मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर मेल ऑन Z5. रणबीर फ्रॉम कुमकुम भाग्य. आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. Who's your favorite celebrity crush? My favorite celebrity crush is Noora Fatehi. She's so beautiful and cute and hot and everything just mixed in the right way. What was your first job in the industry? So my first job was a casting assistant. Can you show me your room? Please come in. हेलो मम्मी. हाय. तो आज एक बहुत ही लकी डे है. ये जो आप घर साफ सफाई देख रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है. इसमें सारा योगदान, सारा हाथ मेरी मम्मी का नहीं है. कुछ किस्से फैंस जानना चाहते हैं. नाम से ही कृष्णा लगता है, ये तो लीला करने के लिए ही आया है. He used to select girls. जैसे लीनू बुआ है, दीदी है, उसी के हाथ से खाना खाना है, वही नहाएगी, वही करेगी. इसके जिंदगी में कास्ट, क्रीड, एज, नो बॉय. ऑल गर्ल्स एंड वेमेन फोक. व्हेन वाज योर फर्स्ट किस? आपको क्या लगता है व्हेन वाज माय फर्स्ट किस? तू तो वैसे भी सबको गले मिलके किस करता. अब मुझे पता नहीं किस किस को किस तरह से किस पे करता किस है. मुझे क्या पता. So my first ever kiss was when I was in sixth standard. मैंने उसकी गाल पे जब first time मैंने kiss किया था ना, तो मेरी body में सारे रोंगटे खड़े हो गए थे. मेरे उस सारे मतलब मेरे अंदर ऐसा जोश आया था और मुझे लगा wow, ये तो करना है, ये तो और करना है. किस अंदाज से? नहीं, अच्छे प्यार से, क्यूट. मुझे नहीं पता. 12 बजे मेरा कॉल टाइम है, मुझे पहुंचना है और 10:30 हो चुके हैं. तो दैट मीन्स आई हैव वेरी लिटिल लेस टाइम फॉर माय शेनानिगन्स. और मेरे शेनानिगन्स में क्या है, मैं जाके वर्कआउट करूंगा एंड देन वी विल गो टू द सेट. Hi guys, तो हम पहुंच चुके हैं मेरे जिम में, जहां पे मैं वर्कआउट करता हूं. एंड आज आप Z5 के थ्रू यहां पे आए हैं, जहां पे हम थोड़ी बहुत गपशप करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे. Where were you born? Saharanpur. There's this little place in UP. What's your childhood nickname? It's very cute. It's called Kinni. छोटी सी प्यारी सी बच्ची जैसा नाम है मेरा. Your workout regime? So my workout regime is normally I start up with push-ups, then I go for pull-ups, and these two are the basic things which I normally do every day. Your favorite exercise? Favorite exercise is when I'm training for my chest, and my least favorite is my legs, and the best exercise which I love doing is bicep curl. How yeah. do you prepare yourself for gym every day? So I have to tell myself if I don't work out, then I'm going to be ugly. So I don't want to be ugly. Supplements or protein you take before gym? I normally don't take any supplements because I try to keep it as natural as possible. I prefer raw food. Best part of your workout in one line? The pump that you get to feel after the workout is the best. Have you ever had a crush on your trainer or someone in the gym? I've had a crush on someone in the gym, and she was a DJ. She was in our gym only. And then I saw her boyfriend who was 2 feet taller than me. So mera jo crush tha wo ekdam khatam ho gaya sara. Wo crush ekdam behan ki nazar se dekhne laga main use. Oh guys, it's 11:41. I'm getting late for my set. Ab main aapko leke jaunga apni gaadi mein, bitha ke sawari karaunga, gaane sunaunga. Come guys, let's go.